खोल लग गए पेन खूबसूरत जे ए अनार लगदा पे चेक हां ए अनार लगदा पे भी ओथ लगदा पे माशाल्लाह इतने यार खूबसूरत बड़े लगदे ने रेड रेड फूल ने ना तो बड़े प्यारे लगदे पे ने इतना बड़ा पौधा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर क्या हाल हैं ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव में आ चुका हूं मामू के साथ और ईद का मेरा ये सेकंड डे है और अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने अपनी ये पकड़ी हुई है भैंस छोटी सी इसको पकड़ के बांधने जा रहा हूं और सुबह सुबह का टाइम है इतना प्यारा मौसम बना हुआ है चेक करें आप अल्हम्दुलिल्लाह और मामू और मैं जो है अपने जानवर बांध रहे हैं तो डेली रूटीन के मुताबिक मैंने कहा अपना व्लॉग आज सुबह सुबह स्टार्ट करता हूँ कहाँ बांध लिए बिस्मिल्लाह करके इसे बांध लेते हैं चार है माशाल्लाह ये प्यारी प्यारी सी बंधीज गई है वाओ और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं मारते हैं उसमें से ये हैं ये दो जो कट्टे हैं ना कट्टे मारते हैं बाकी जो बछड़ी होती है कटिया वो भी अब एक दो थे वो मारते थे वो रहा उधर रहा ऊपर सो इतना खूबसूरत और प्यारा सा मौसम है आज का व्लॉग आपकी हसीन तरीन सुबह से स्टार्ट करते हैं तो गांव का मज़ा यही है हर तरफ से गंदम पकी हुई है और मैंने इसी गंदम के सीज़न को ही कवर करना है इंशाल्लाह एक दो दिन में और कौन सी है मुझे खोल के दे भागती है डरी ना जाए कहीं ये आपको मैं ये चेक कराता हूँ गंदम जो पकी हुई है और उधर से जो बिल्कुल ही प्यारा सा खूबसूरत सा सूर्य निकल रहा है ये अभी चेक करें वाओ माशाल्लाह क्या ही प्यारा और लेवल का मौसम बना हुआ है इतनी प्यारी सुबह सुबह खूबसूरत सी वाइब आ रही है ना और ऑक्सीजन फुल मैं यानी कि सांस ले रहा हूँ उधर सिटी में तो सारा माहौल ख़राब होता है ना वहाँ पे बदबू और इस तरह के निज़ाम होते हैं सारे और वैसे भी मतलब घर ही होता है गांव में सुबह सुबह जाग के मज़ेदार माहौल में रहना होता है ये चेक करें ज़मीन के लेवल से मैं तकरीबन ही कोई 25 से 30 फुट ऊपर खड़ा हूँ इस वक्त और दूर दूर तक सारी गंदम पकी हुई है यहाँ सारी गंदम पकी हुई है ये मेरे मामू की है गंदम और वो सामने वाले भी सारी मामू की है तो वो हम यहाँ से अभी जैसे ही एक दो दिन में बड़ी मशीन लगाएंगे हार्वेस्टर तो उसे ख़त्म करवाएंगे ख़त्म तो नहीं करवानी निकलवा के बेचेंगे हाँ भैया तमीज़ नाल नहीं मेहंदी एक गां तमीज नाल नहीं मेहंदी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चलो शाबाश उधर 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 मामी यहाँ पे क्यों जा रही मैं नहीं देखना भी देखे मुंह चाहती मेरी चल भैया जा लाइन आउट थी वे दी भी आजा भाई ओ वाली चिट्टी फार्मी चलो माशा अच्छा यार मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की जो भी सीरीज़ है ना मैं सरेकी में करने वाला हूँ तो क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो मसला है ना वो उर्दू से ज़्यादा सरेकी को कंसिडर किया जाता है तो इस वजह से यहाँ के सारे ब्लॉग मुझे सरेकी में ही करने हैं ओए होए आजा तो लेट्स गो विद सरायकी ए है गा एक मैं खोली वे ना ओए ओए चल आजो 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 ए बड़ी प्यारी गाय यार तमीज ना आंदी भी है पिया गई जे रहन ता तंग के जने उरती में गुजारा तंग के खुलदी नहीं मेरे को अजी तरह खोल लगे मैं मैं ब्लॉग देना सरायकी वाले दी प्ले लिस्ट बनाने सा सरायकी सीरीज के नाल उन्हें तक जितने भी ब्लॉग मेरे गाँव के आसन सरायकी आसन ना वो सरायकी एक साइड से अपलोड करे सा ताकि तुम सरायकी की मिठी मिठी लजत च आ गिनो किथे वाओ कहता चटे नहीं हो
गुस्सा ना कर जाए। हाँ हाँ झन्ना होने तक कट्टा है वो ए कट्टी है आज कट्टा क्यों नहीं टकरता मेरे को प्यार से जोल यार सवेर सवेर ना सारा जनावर भजीज गया टोटल हेक थड़िए यह बच्ची ये उचार हाँ जी ये खड़ी रह सी ये और ऐसा फोसे मिल जनु खा का आप जनु मला मिलते हैं इंशाल्लाह। A few minutes later अच्छा यार मामा होने का पहना बैठ खा हसीब दे मैं आ गया इंडिया ते दरख्त वगैरह देखने दे आप तो ये अलग घा देखा उठा दे किस्मा किसकास थिया खड़े किसकास देखना है वैसा ए हैं सौंफ चस्ते निश्चित खाने थों जी मैं पक देने इंशाल्लाह इनको कपे सूझा लेकिन इन्हें यार पौधा बड़ा अच्छा लगता प्यारा लगता थले थले जाली जा रही है उत्ते पीले दे चिट्टे फुल मिक्स है चस्ता ए बीवर अनार थी गया बड़ा ही प्यारा दे खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह चस्ते घने घने चस्ते सौंफ थे खड़े नो वेयर इज योर किसका ये तो कहना सौंफ चेक करो बीवर वो इतने प्यारे लगते पे खूबसूरत जिमें मरी दे नारायण का गांव के पौधे होने उस समय एक खड़े हाँ ये किसका सही में वह अजीब है यार इन्हें पौधा था मैं बार ये चेक करो इनको आदन किसका से किसका से शायद ही नहीं होगी ये मेरे चाचू को पता है उन्होंने दसाए इतने वो वाला सुखा खड़े यार लेकिन जो थी आवे तो डाढ़म थी ऐसी चास्ता बीज जो थी आवे काफ़ी है आओ भाई अगे चले ए हैं बसल प्याज मेरी खाला स्पेशल मेरे को रिक्वेस्ट की आंदे मेरे प्याज देखा मैं क्योंकि मैं जेरे भी प्याज घर लगी खाना तो मर गए मोगे ए अलहमदुल्ला माशाल्लाह इतने बड़े थी हैं ये तो पूरे पूरे जेरे पेन पूरे प्याज बने पेन ते मेरे को किसे गया नहीं थे टमाटर भी शुक्र अल्लाह का लगे पे नहीं था फूल चाहती पेन ये टमाटर लगे पेन मतलब दिखावा ये देखो परले पौधे ज़्यादा लगे खड़े लेकिन इतना जरा है ना ये जमीन है ना खुद काश्तकारी वाली वाहन वाली सारी जमीन का प्लाट है प्लाट पता सन 1990 का इन्हें खाली पे थे गिदा हुआ इं वजह तो उतना कश डाढ़म की थी नहीं पाई इतना अलहमदुल्ला सारा कुछ बड़ा फैंटास्टिक थी है ये चेक करो भाई वर गंदम गंदम सारी पक्की खड़ी डाढ़म दी जोड़ दे कराकेदार थी खड़ी है ये अनार देखो भी बार हूँ फुल क्या हाँ ये खाली फुल लेना अनार है खुद फुल फुल लगे पेन खूबसूरत जे ये और चेक हाँ ये अनार लगता पे भी उत लगता पे माशाल्लाह इतने यार खूबसूरत बड़े लगते मेरे रेड रेड फुल नहीं ना तो बड़े प्यारे लगते पेने इतना बड़ा पौधा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पौधा है सिंगल है उन्हें लड़ियाँ कह नहीं वो एक सिर्फ लड़ी के जरिए उत्ते थी खड़े बस ये थे सारे सौंफ सौंफ दे आया खड़ी इन ही घा का पौधा आया खड़े फुल यूनीक लगते खड़न चास्ते बंदा फोटोग्राफी करे इतना भी है क्या लेकिन मेरी इन्हें कैमरे की शक्ल अच्छी नहीं आती तो फोटोग्राफी कर दें करे सही क्या ये चेक करो यार इन वो येलो येलो चस्ता ये खड़े थी कैमरा फोकस ही नहीं पकड़े ना पियाओ वाओ इतना अच्छा लगता पे यार चलो माशाल्लाह ये अनार थी हूँ सन मेरे मामे की घर की पिछली कणक ये क्या है वो माल्टा उसी नींबू के बीच इतना पात्र होने छोटे गोल होने अंदर ही ये गंदा में बड़ी खूबसूरत दूर दूर तक इलाका इवें थी पे हाली खुश्क लेकिन इंदी है खासियत इलाके के जो दरख्त ना वो बाहर की वजह तो खिलते पे सारे दरख्त होने अलहमदुल्ला हरे भरे थे खड़े वो बनना पूरा हरा भरा उतना दूर दूर तक जितने दरख्त हैं सारे हरे भरे थे खड़े शुक्र अलहमदुल्ला असा मेरे पे हम टिब्बिया टिब्बिया ने छोटे छोटे होंगे अस खेडते अस ते बड़े ही इत्थें किरदार करें दे असें चीज़ां पूर वेंदे असें ना साढ़े छोटे छोटे खिलौने आने वो चाह दे आने असें इत्थें पूर वेंदे असें अल्लाह अकबर वी बारे आ गए असें खाले दे खाल आई गल बात आ ओ उत्थां धाड़ पई है उदू चेक करो सामने तक धाड़ नजर आती पी उसी इनको जान ली पई कराने वास्ते पानी घेना है ताकि सारा जरा भू है वो खराब न थी।
ਤਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਐਡਿਟ ਉਡਿਟ ਕਰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅੱਧੇ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਮੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਢੋਈ ਬਣਾਈ ਜੁੜਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੂੰ ਹਫਤਾ ਖਨ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤਾ ਖਨ ਦੇ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਸਰਾਇਕੇ ਜਾ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਕਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋ ਥਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਉਰਦੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਾਇਕੀ ਇਹ 'ਚ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਵਲੌਗ ਤਦ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।